मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। गुरु प्यारे हो, क्या स्पिरिचुअल वैम्पायर्स भी होते हैं? किसी ने मुझसे पूछा कि क्या ऐसा होता है, यानी जिनको स्पिरिचुअल वैम्पायर्स के बारे में नहीं मालूम है। वैम्पायर खून चूसते हैं, तो स्पिरिचुअल वैम्पायर्स आपका पाठ जाप जो सुमरण आपने किया है वो चूस लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। तो कि सज्जन ने मुझसे ये पूछा, काफी पहले पूछा था, अब समय आया तो मैंने कहा ये चर्चा करें। यस, स्पिरिचुअल वैम्पायर्स भी होते हैं। अब ये दो तरह के स्पिरिचुअल वैम्पायर्स होते हैं। बहुत से लोग इस बात को ना माने, ये उनकी अपनी मर्जी, उनके पास ये अधिकार है, लेकिन कई लोगों को बड़ी तकलीफ हो जाती है। यानी आप ईश्वर के नाम का प्रचार कर रहे हैं तो इस पर भी लोगों को तकलीफ है। बड़े इस संसार में विचित्र किस्म के लोग हैं। आप लोगों को कह रहे हैं कि आप नेक बने, ईश्वर का नाम जपें, भला करें, दया करें, तो लोगों को इस पर भी तकलीफ है। ऐसे भी लोग हैं। खैर, तो ये दो तरह के होते हैं, एक तो जीवित, एक मृत। जो जीवित हैं उनके पास ऐसी टेक्निक होती है, ऐसे मंत्र होते हैं, ऐसी साधना होती है, ऐसी शक्ति होती है, यूं कहें ऐसी कोई सिद्धि होती है जिसके जरिए उनको पता लग जाता है कि इस आदमी के पास या फला आदमी के पास, जब हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि इसके पास बहुत जप तप है, सुमिरन है। अब ये ऐसा ही है कि कई लोगों के पास शक्तियां आ जाती हैं लेकिन उनको मालूम नहीं होता है कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बड़े सीधे होते हैं, क्योंकि मिलता तो वो सीधों को ही है। हमारे पंजाबी में उसको सिधरे बोलते हैं। जिनको आमतौर पर लोग बेवकूफ समझते हैं, तो जो सीधे होते हैं, सरल होते हैं, उनको जल्दी मिलता है। चालाक लोगों को जल्दी नहीं मिलता है, उनको बहुत टाइम, क्योंकि उनके किंतु परंतु बहुत होते हैं, सवाल बड़े होते हैं उनके, ऐसा कैसे, वैसा कैसे, जैसे यहां भी लोग करते रहते हैं कुछ यदा कदा। तो जो जीवित हैं, जैसे मैंने ये पहले जब सुना था, बहुत पहले, तो दरवेशों में सुना था। दरवेश, एक सज्जन पूछ रहे दरवेश कौन होते हैं, तो उनको हो सकता है उन्होंने कभी ना सुना हो। जगराओं में इनकी बहुत बड़ी रोशनी लगती है, और बाबा मोहकम दीन जी, उनके बारे में अक्सर कहा था बाबा मोहकम दीन आप खुदा, उनके एक फरियाद होती है, तो वो खुदा का रूप हो गए थे। उनकी दरगाह है, वहाँ रोशनी लगती है साल में एक बार, और दुनिया भर से लोग आते हैं। एक पूना में है जो उनके शागिर्द थे, उनके शिष्य थे, तो उनकी भी दरगाह बनी हुई है, स्थान बना हुआ है। ऐसे कई जगहों पे उनका माणुके में है, पतुई खेड़ा में है, बीबी वाला में है, ऐसे कई जगहों पे स्थान है उनके। तो उनके यहाँ मैंने ये देखा, तब मुझे इस बात का एहसास नहीं था, मैं छोटा था। फिर बाद में कॉलेज में गया, तब भी कभी कभार मुझे सुनने को मिलता था कि उसने उसका इल्म खींच लिया, उसने उसको ये कर दिया, उसका जो सुमिरन था, तप था, वो खींच लिया, उसकी कमाई, उसको बोलते हैं वो लोग, उसकी कमाई खींच ली। तो ये मेरी समझ में नहीं आता था, मुझे लगता ये बड़ी विचित्र बात है भाई, ऐसे कैसे खींच ली उसने। अब इसमें ये कि अगर कोई आदमी किसी की नकारात्मक शक्ति को खींच सकता है, इसका मतलब ये संभव है, तो फिर जो उसके पास सकारात्मक ऊर्जा या एनर्जी है उसको भी खींच सकता है। इसका मतलब तो ये निकलता है कि अगर अदृश्य रूप में वो खींची जा सकती है, उसको आप लूटना कहें, उसको आप चोरी करना कहें, तो ये संभव है। लेकिन उसके बाद एक गैप पड़ गया, मैं बॉम्बे चला गया, अपना संघर्ष करता रहा, और फिर एक अलग दुनिया में चला गया, ग्लैमर वर्ल्ड में, तो वहां तो कहने क्या है, तो अध्यात्म का तो वहां नामो निशान नहीं था दूर दूर तक। खैर, तो ये मामला रह गया। उसके बाद मेरी मां लगी रही अंत तक, उद्रेशों में थी और बहुत सुमरण करती थी, गुरबाणी का भी बहुत पाठ करती थी। फिर भी जब कभी मैं आता था साल में 6 महीने में,
तो किसी न किसी को वो जिक्र करते कि फला आदमी जो है ऐसी हरकतों से बाज नहीं आता है, वो हमले करता है, वो खींच लेता है उसको घर, उसको जब सत्संग घर में वो करती तो बुलाना नहीं है। और कुछ एक लोग उनके दरवेशों में बदनाम भी हो गए इस मामले में कि वो खींचते हैं, चोरी करते हैं, वही स्पिरिचुअल वैम्पायर्स हैं। तो मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था इस तरफ, सुनता था माँ को और हैरान होता था कि कमाल है भाई। और मैं उनसे कहने दरवेशों में भी ये होता है, दरवेश मतलब बहुत विनम्र, वो कुत्ते को दरवेश कहते, मैंने पहले एक वीडियो में जिक्र किया है। और मुझे एक डॉक्यूमेंट्री उनको बनानी थी, मैंने शूटिंग काफ़ी कर ली है, थोड़ी सी रह गई है। तो उसका मैं ईश्वर से कह रहा था, मैंने इसका भी जिक्र कहीं किया है कि दरवेश का मतलब क्या है। तो मुझे जो ईश्वर ने सुझाया, दरवेश जो उस ईश्वर के, उस अल्लाह, उस वाहेगुरु के दर को अपना वेश बना ले, वो दरवेश होता है। तो कुत्ते की एग्जांपल है, कुत्ता दर पे बैठा रहता है, वहीं बैठा, उसको मारो दौड़ाओ फिर आके बैठ जाएगा, ठीक है, जब आप डाल देंगे तो खा लेगा, लेकिन आपके दरवाजे पे बैठा रहेगा और आपकी हिफाजत करेगा, तो सेवा करेगा, जो भी वो कर सकता है, चौकीदारी करेगा, तो चाकरी करता है। तो ये दरवेशों का अपना कॉन्सेप्ट है। अब हाल ही में कुछ लोगों से मेरा वास्ता पड़ा, तो उनसे मुझे फिर से ये बात रीकन्फर्म हुई कि उसका जब चोरी कर लिया, उसका तब चोरी कर लिया, और फिर वो जब तब लौटवाते हैं। कुछ लोग यहां हमारे धन गुरु नानक ग्रुप में टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, या जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं, जिनको ये अनुभव हुआ है। तो ये जब तब, एक तो जो जीवित लोग हैं उनके पास ऐसी विद्या होती है कि वो चोरी करते हैं, और एक मृत आत्माएं जो जिनके पास ऐसी शक्ति है, यानी उनका एक लेवल बन जाता है, कई एक योनियां हैं उसमें, तो वो जो कहीं ना कहीं क्रूर प्रवृत्ति के हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, वो लोग आपका पाठ जाप चोरी करेंगे, वो आपको प्रभावित भी करेंगे, आपका नुकसान भी करेंगे, और आपका पाठ जाप सुमिरन चोरी भी करेंगे। कई बार लोगों को लगता है कि मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं, बहुत सुमिरन करती हूं या करता हूं, लेकिन बात नहीं बनती है। तो पता ये चला कि उनका तो सुमिरन चोरी हो रहा था। जैसे कुछ प्रेतात्माओं को, जो मैंने कुछ एपिसोड डाले हुए हैं तर्क से परे भूतों प्रेतों के संसार के बारे में, तो लोगों को दवाई असर नहीं कर रही थी, डॉक्टर हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा था। तो उन जिन्नातों ने, कबीर जिन थे वो, उन जिन्नों ने ये कहा और हंसते हुए कहा, उनके लिए तो ये मजाक है। एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी थी, यूपी के थे वो, सहकारिता विभाग में पोस्टेड थे, पुरानी बातें हैं ये। तो उन्होंने कहा कि दवाई कैसे असर करी, दवाई तो हम खा जाते थे। तो इस तरह से अगर वो अदृश्य रूप में आपकी दवाई भी खा जाते हैं और दवाई असर नहीं करती है, तो इसी तरह से वो अदृश्य रूप में आपका पाठ जाप भी चोरी कर लेते हैं और उसका असर नहीं होता, यानी आपको लाभ नहीं होता है। अब ये बड़ी विचित्रतम बात है कि पाठ जाप कैसे चोरी हो सकता है, यानी ईश्वर के नाम ने तो आपको सुरक्षा प्रदान कर दी है, ईश्वर के नाम से तो इन लोगों को आग लगनी चाहिए, ये सवाल जायज है। लेकिन ये जो जिन शक्तियों की बात हो रही है, नकारात्मक शक्तियों की, इनमें ये वो शक्तियां होती हैं जिन्होंने पहले बहुत जप तप किया होता है, लेकिन कुछ ऐसे नकारात्मक कर्म किए होते हैं जिनकी वजह से ये ऐसी योनि में पड़ जाते हैं, लेकिन इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनके पास तो तमाम सिद्धियां, तमाम चीजें होती हैं, और उनके जरिए इनको सब चोर मोरियां पता होती हैं, तो इनसे पीछा छुड़ाना भी बहुत मुश्किल होता है। अब फिर बात वहां आ जाती है कि हमारे कर्म, ईश्वर समदृष्टा है, हमने ऐसे कर्म किए होंगे, जैसे कुंडली के बारे में है, तो जो ज्ञाता लोग हैं अगर उसको दिखाएं तो ढूंढ ढांड के इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस तरह की ये जो शक्तियां हैं, अदृश्य शक्तियां, इनका प्रकोप होगा, ये नजर आएगा। अब क्योंकि आपके किसी कुकर्म की वजह से, पाप कर्म की वजह से ऐसा लिखा हुआ है, ये विधान में आ गया, ऐसा नहीं कि उसके हुक्म के बाहर कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा सबका अपना अपना हिसाब किताब है। अब उसमें
मेरे लिए ये बहुत ही विचित्रतम बात थी कि भाई जब तब चोरी हो जाता है, ये तो हद ही हो गई। तो कुछ इतनी शक्तिशाली अदृश्य शक्तियां हैं, मतलब उनको एक्सप्लेन करना तो मुश्किल है कि वो सकारात्मक तो नहीं है, नकारात्मक होते हुए भी उनके पास इतनी शक्ति है कि वो आपका जप तप, और उनको इसका लाभ होता है, आपका जप तप चोरी करके उनको लाभ होता है। तो जब कोई ऐसा शक्तिशाली महापुरुष आपके जीवन में आता है, जैसे मैंने कहा कि आप ईश्वर का नाम जपें, निरंतर जपें, सुने, रात को रिपीट पर लगा के सोएं, माफिया मांगे, धन्यवाद करें, सेवा करें, पुण्यदान करें, कान में लगा के सुने, चलते फिरते हर वक्त उसका नाम जपें, काम करते हुए सैर करते हुए उसका नाम जपें, तो ईश्वर आपके भाग्य और आपकी प्रारब्ध के मुताबिक को विधि बना देंगे। तो ऐसा आपको, मान लीजिए कि आपको ऐसे किसी महापुरुष से ही छुटकारा मिलना है, तो उसका कोई रास्ता निकालेंगे, किसी न किसी तरीके से आपको वहां तक वो पहुंचाएंगे, और उसके माध्यम से फिर ये पता चलेगा कि इन्होंने जब तक भी चोरी किया है तो वो वापस लौटवाएंगे और आपको राहत भी दिलवाएंगे। ये सारा मामला उस मालिक के विधान के तहत है, हमारे कर्म, हमारी प्रारब्ध और हमारे भाग्य के मुताबिक ही चलता, उससे बाहर कुछ नहीं है। अब ये तो क्लियर हो गया कि जब तक भी चोरी होता है, ये स्पिरिचुअल वैम्पायर्स हैं, जीते भी हैं और मृतक भी हैं, जो मर चुके हैं वो भी ऐसा करते हैं, लेकिन इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए, ये क्या हल है कि ये चोरी ही ना हो। ये मैं पहले अपने ग्रुप में भी और वैसे भी शायद कहीं जिक्र कर चुका हूं किसी वीडियो में, कि जब भी, एक तो आपने 3 या 7 बार पानी की जो अंजलि बोलते हैं अपने हाथ में, दाहिने हाथ में, स्त्रियां बाएं में ले लें, दाएं हाथ में आपने पानी लेना और लेके ईश्वर को, जिस भी मालिक को आप मानते हैं, उसको याद करना है, और उसको याद करके, देखिए ये शब्द हमारे बड़ा मैटर करते हैं, जो हमारी कमिटमेंट है बड़ी मैटर करती है, उसको याद करना बड़ा मैटर करता है, इसको हल्के में मत लिया करें, वो सुनता है, तो आपने उसको याद करना है, और याद करके हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहेगुरु, हे गॉड, जिस भी नाम से आप उसे जानते हैं, कि मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज के बाद में, इस क्षण के बाद में, जो भी मैं सुमिरन करूं, जप तप करूं, वो मेरे सिवा किसी और के पास ना जाए, उसे कोई ना ले सके। आपने पानी नीचे डाल देना है, ऐसे 3 बार करिए, हे ईश्वर, हे अल्लाह, जिस भी नाम से आप जानते हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं जो भी जब तप सुमिरन करता हूं या करती हूं, वो मेरे सिवा कोई और ना ले सके, आप मुझ पर कृपा करें, अपना रक्षा कवच दें, अपने पहरे लगा दें। ये आप डालें, 3 बार डालें, 7 बार डालें, और फिर जब भी आप पाठ जाप करने बैठें, ध्यान लगाने बैठें, तो प्रार्थना करें पहरा लगाने की, रक्षा कवच की, हे हरि, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहेगुरु, हे भगवान शिव, हे दुर्गा माई, जिसको भी आप मानते हैं, उनसे आप प्रार्थना करें कि आप मुझे अपना रक्षा कवच प्रदान करें। 3 बार कहें, अपना रक्षा कवच प्रदान करें, ताकि मेरा ध्यान भंग ना हो, नकारात्मक शक्तियां मुझे डिस्टर्ब ना कर सकें, मुझे विचलित ना कर सकें, बेचैन ना कर सकें, मेरा ध्यान ना भटका सकें, दया करें, मेहर करें, मैं आपकी शरण में हूं। ये प्रार्थना करके फिर आप पाठ जाप करने बैठा करें ईश्वर से प्रार्थना करके, तो पहरा लग जाता है। ऐसा कुछ महापुरुषों का, कुछ विद्वानों का फरमान है, और मुझे ये लॉजिकल लगा, क्योंकि जब हम 3 बार, वो कॉल की बात है, तला तलाक की बात है, 3 बार वचन देते हैं, ये पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं ऋषियों मुनियों के ज़माने से, फिर कुछ लोगों ने ग्रहण किया, फिर आगे उन्होंने अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन हम लोग तो अब अल्ट्रा मॉडर्न हो गए हैं और अपनी तबाही का इंतजाम खुद ही किए घूम रहे हैं और करते जा रहे हैं। तो ये कर लीजिएगा, तो उससे निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी, और जिन लोगों का ध्यान भटकता है, बहुत अजीबोगरीब विचार आते हैं, वो भी ऐसी प्रार्थना करके बैठा करें ईश्वर से, जब आपने प्रार्थना करने बैठो तो रक्षा कवच मांग लें, उनका पहरा मांग लें कि बापू मुझे बचाएं नकारात्मक शक्तियों से, ताकि मैं विचलित ना हूं, मेरा ध्यान ना भटका सकें वो, तो मुझे रक्षा करें, मैं आपकी शरण में हूं, शरणागत को अभय दान देता है। तो ये आप प्रयास करिएगा, और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको राहत मिलेगी, और आपका ध्यान भी कम भटकेगा, विचार भी अगर एक बार में नहीं तो हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन, महीने में, लेकिन यही तरीका है। और भी कोई तरीका हो सकता है, मुझे नहीं मालूम है, अगर किसी विद्वान के पास हो तो जरूर हमारे साथ शेयर करें, और जो लोग मेरी इस विचारधारा से, जो मैंने वीडियो में ये शेयर किए विचार, इससे असहमत हैं, उनके पास असहमत होने का अधिकार है, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली, और कई लोग अक्सर ये पूछते रहते थे, तो मुझे लगा इस वीडियो के जरिए उनके साथ में ये जानकारी शेयर की जाए, तो हो सकता है कि वो अलर्ट हो जाए
और ये जो पानी से आपने अंजलियां डालनी है और ये प्रार्थना करनी है, उससे आपका जो पाठ जाप चोरी होने से बच जाए, जो होना था वो हो गया, या आपको कोई महापुरुष ऐसा मिले जो आपका पाठ जाप वापस करवाए। ये भी आने वाले समय में हम जिक्र करेंगे कि यदि संभव हुआ तो, या किसी को ऐसा लगता हो तो उसका पाठ जाप वापस करवाने की कोशिश की जाएगी। अन्यथा ये जो विचलित रहता है मन, जो विचार आते हैं अजीबोगरीब फिजूल के, बहुत ही गंदे विचार भी लोगों को आते हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, अजीबोगरीब किस्म के विचार आएंगे, ये नकारात्मक शक्ति ने आपको घेरा हुआ है। सुस्ती आना, नींद आना, आलस आना, ध्यान भटकना, ये सब उनके काम है। माया भी आपको घेरती है उस वक्त, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हम में से कोई निकल जाए आगे, पकड़ो इसको भी गिराओ। जैसे वो केकड़ों वाली बात थी कि केकड़ों को आपने डाल दिया है, उसके ऊपर ढक्कन की जरूरत नहीं है, कोई केकड़ा दूसरे केकड़े को ऊपर चढ़ने नहीं देगा, गिरा लेगा उनको नीचे। तो ऐसी हमारी स्थिति है, वो हमको अपने जैसा ही अपने ही उसमें फंस के मकर जाल में रखना चाहते हैं, फंसा के बाहर नहीं निकलने देना चाहते। तो आप ये कोशिश करिएगा दोनों, एक तो ये प्रार्थना करके रक्षा कवच मांग के, सुरक्षा पहरा मांग के, फिर अपना ध्यान लगाएं, फिर बैठें ईश्वर से प्रार्थना करके अपने अपने धर्म के मुताबिक, और दूसरा आप वो 3 अंजलियां 7 अंजलियां डाल के ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपका कोई वैम्पायर, स्पिरिचुअल वैम्पायर हम लोग उसे कहते हैं, कि कोई भी आपका जब तप जो है सुमरण, वो चोरी ना कर पाए, वो आप ही के पास रहे। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे और इसे पूरा पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल।